मेरा नाम है स्वरूप। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस युग। आइए मैं आज आपको ये दिखाता हूँ कि आप अपने कोई यूट्यूब बनाए हैं तो उसका लोगो या फिर किसी कंपनी का लोगो आप कैसे बना सकते हैं। आइए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। खोल रहा हूँ, तो देखिए फोटोशॉप खुलने के बाद आप एक न्यू लेयर ले लीजिए, जो कि आप यहां से फाइल पर न्यू दबा कर ले सकते हैं और कंट्रोल प्लस एन कर के भी देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने ये ले लिया है। तो आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको अलर्ट बैक स्पेस दोनों दबाने होंगे, इससे इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड चेंज होने के बाद जो आप कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। यहाँ पर टी दिया हुआ है, इस पर ओके करने पर आप के लिखने वाला आ जाएगा। और यहाँ पर आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं, और आप किसी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं तो उसी का भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने एक नाम डाला है जीनियस युग। इसको देखिए आप यहाँ से आप इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसे कर सिंपल कर सकते हैं, और भी कई ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप उन्हें टेक्स्ट लिखने के बाद आप इस पर ओके कीजिए और इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, और आप इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी साइज बढ़ा दी है, और आपको इंटर कर देना है। जैसे कि इस आपको इस नाम का कलर चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आप वापस टी पर जाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए कलर दिया हुआ है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए ये कलर आ गया है। तो आप इसको 3D टाइप बनाने के लिए यहाँ पर देखिए लेयर लिखा होगा, इस पर ओके करें और लेयर स्टाइल पर जाइए। यहाँ पर देखिए ऑथर ग्लू, इस पर आप ओके कर दीजिए। इस पर ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन नॉर्मल कर लेनी है, इसको फुल कर लेना है और स्पीड को भी फुल कर देना। तो आप देख सकते हैं जो इसमें कलर हैं वो इसके बाहर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए। और आप जो भी कलर चाहे करना चाहते हैं वो कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ये कलर ले रहा हूँ और इसको आप ओके कर दीजिए। इसको ओके करने के बाद आप इसको घुमा भी सकते हैं, ये देखिए आप ऐसे घुमा भी सकते हैं। और आप इसको और भी सुंदर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर इस पर ओके करना होगा, और आपको यहाँ से आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इसको ओके करना होगा, और देखिए इसे सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर बनाने के लिए आपको बॉर्डर बनाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई को पहले दबाना होगा, बाद में आप कंट्रोल ए दबाना है, और इसके बाद कंट्रोल जे और कंट्रोल टी। अब शिफ्ट अलर्ट को 7 बार दबाकर इसको छोटा कर लेना है, जितना भी आपको लगता है। छोटा करने के बाद डबल क्लिक कर दीजिए या फिर राइट कर दीजिए।
बाद में नियर ले लीजिए आप ऑथर ग्लू, यहाँ से आपको जो भी कलर लगाना है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं रेड कलर लगा लेता हूँ, देखिए यहाँ पर रेड पट्टी आ गई, इसको आप ओके कर दीजिए। है कितना अच्छा बन गया है, आप भी ऐसा बना सकते हैं। ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। हाँ, पहले अंतर और इसको मेल कर दीजिए।